डिस्क्रिप्शन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। अभी मैं हूँ जलंधर सिटी में और मैं कहीं और से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है जलंधर सिटी से लेके टिल नई दिल्ली तक। और ट्रेन होने वाली है हमारी 12460 अमृतसर नई दिल्ली इंटरसिटी। बहुत सारे स्टॉप होने वाले हैं तो लिमिटेड कवर करेंगे, आधे घंटे के आसपास की जर्नी बनाएंगे। तो मिलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन पे, जब ट्रेन अराइव्ड करेगी सीधा मिलते हैं वहाँ पे। दोस्तों अराइव्ड कर रही है 12460 लुधियाना में F7। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो गया जलंधर सिटी जंक्शन से। दोस्तों ये है जलंधर सिटी जंक्शन का DMU कार शेड, जहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस वगैरह होती है DMU की। यहाँ से आपको हर जगह के लिए DMU मिल जाएगी, नकोदर, फिरोजपुर, होशियारपुर और पठानकोट साइड के लिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। 14011 होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस। अराइवल तो ले ही नहीं पाया, डिपार्चर देख लो फिलौर जंक्शन से। और पहली बार 110 पे शायद करेगी स्किप सतलुज रिवर को, मतलब मैं देखूंगा फर्स्ट टाइम स्किप होते हुए सतलुज रिवर को 110 पे।
कर रहे हैं लुधियाना स्किप। हमारा यहाँ पे हॉल्ट नहीं है क्योंकि हॉल्ट ये वाला एक्सटेंड किया गया है डंडारी गला को कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से स्टेशन नया बन रहा है प्लेटफॉर्म नंबर, इसलिए प्रेशर घटाने के लिए थोड़ा मतलब लुधियाना का प्रेशर ज़्यादा ना पड़े ट्रेनों का, तो इसलिए कई ट्रेनों का हॉल्ट किया है डंडारी गला पे। दोस्तों यहाँ से चल के सीधा हॉल्ट है डंडारी गला है, और वहाँ से हमें मिल जाएगी 130 की लिमिट है जो कि अभी तक 110 की थी। और पिकअप देखो F7 ने पिकअप उठा लिया है। अब यहाँ से हमें 130 की लिमिट मिल जाएगी। ये किसी ने चेन पुलिंग की है, चेन पुलिंग हुई है। तो दोस्तों ट्रेन आ चुकी है डंडारी कलां, जहाँ कि मैंने आपको लुधियाना में बताया था हॉल्ट यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे 5 मिनट लेट पहुँची है, अब यहाँ से 2 मिनट रुक के यहाँ से डिपार्चर भी होगा, तो यहाँ से डिपार्चर देखते हैं, मिलते हैं सीधा हम बालागंज जंक्शन पे। दोस्तों हमारा डिपार्चर हो गया है डंडारी कला से, अगला हॉल्ट है हमारा सरहिंद जंक्शन। दोस्तों ये सामने कोई ट्रेन आ रही है, मैंने चेक नहीं किया कौन सी है, देखते हैं। हेमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अमृतसर शताब्दी अराइव्ड राजपुरा जंक्शन। शाने पंजाब एक्सप्रेस
इसकी जर्नी मैंने की हुई है, आई बटन में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में। तो अराइवल अम्बाला कैंट का यहाँ से देख लो, क्योंकि दूसरी साइड प्लेटफॉर्म साइड पे भीड़ बहुत है। जामनगर वाली में वैगन ही लग गया है। करनाल अराइव्ड कर गए हैं, समय से 9 मिनट लेट। दोस्तों ट्रेन तो करनाल पहुंच गई, बट मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल है, देखते हैं ओवरटेक लगने लगा है। कौन सी ट्रेन ओवरटेक मारती है, तो देखते हैं ओवरटेक, उसके बाद देखते हैं यहां से डिपार्चर। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। ओवरटेक के बाद हमारा हो चुका है करनाल से डिपार्चर। तो बताना ओवरटेक कैसा लगा। जो ओवरटेक मार के गई वो थी उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पानीपत जंक्शन और ये सामने जो लाइन जा रही है ये जा रही है जिंद्रो तक की साइड। गुड्स जा रही है उस लाइन पे। हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया पानीपत जंक्शन से। एक लाइन मैंने आपको दिखाई रोहतक जिंद वाली और एक है सीधा जो रोहतक जाती है सीधा एक जाती है वाया जिंद हो गया और एक जाती है सीधा रोहतक। अभी वो लाइन भी आपको दिखाऊंगा। टोटल चार जगह मतलब चार रूट निकलते हैं बट एक जगह के लिए दो रूट हैं तो इसलिए जंक्शन है और यहाँ से आप रोहतक जाने के लिए गाड़ी बदल सकते हो। लाइन जा रही है जो ये आपको जाती हुई लाइन दिख रही है राइट साइड पे, ये
नीचे जा रही है सीधा रोहतक साइड पे, यहाँ से 87 यहाँ से 70 किलोमीटर दूर होगा, वो वाला रूट लंबा है जो दूसरा है। सोनीपत जंक्शन तो दोस्तों हमारा डिपार्चर हो गया है सोनीपत जंक्शन से। अब इसके बाद सीधा हॉल्ट सब्जी मंडी है जो कि 3 किलोमीटर रह जाएगा वहां से नई दिल्ली। तो देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, मिलते हैं सीधा सब्जी मंडी में।
दोस्त अराइव कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। टाइम से थोड़ी लेट पहुंची है, बट मैं पक गया इस जर्नी से। शुक्र है इस ट्रेन को मैंने कवर कर लिया, अब इसके बाद इस ट्रेन को हाथ नहीं लगाना। प्लेटफॉर्म उधर की साइड चला गया है, 4 नंबर पे आई है। चलो मैं उधर की साइड से फिर उधर की साइड जाके सामान उतार के ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका जर्नी पसंद आई होगी। मैं पक गया इस जर्नी से, अब इस ट्रेन को मैंने कवर नहीं करना, आपको ये और ट्रेन पकड़ेंगे। अगर आपको जर्नी अच्छी लगी और ओवरटेक बढ़िया लगा है उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट का, तो कमेंट में बताना कैसा था। बाकी मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।